हुकूमत बनने का राज जहांगीर तरीन का जहाज। जहांगीर तरीन ने हुकूमत साजी में अपना एहसान जतला दिया। कहा पंजाब में पीटीआई की नशिस्तें नून लीग से कम थीं। जहाज चला तो हुकूमत बनी। इमरान खान का पैगाम मिला था कि पंजाब में हुकूमत ना बनी तो कोई फायदा नहीं। मजीद बोले कि इलेक्शन से 6 माह कबल गलत और फजूल फैसले से ना अहल किया गया। साजिशों के बावजूद इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ेगी। आईएमएफ ने खतरे की घंटी बजा दी। आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि आइंदा माली साल में महंगाई की शरह बढ़कर 9.2% तक पहुंच जाएगी। बेरोजगारी 5% से कम होकर 4.8% पर आने की तवक्को। पाकिस्तान के शरहनमो 4.8 के हदफ से कम 4% रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा साल में करंट अकाउंट खसारा 3.1% होने का इम्कान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से कायमा कमेटी के वफद की मुलाकात। सेनेट कायमा कमेटी दिफा के वफद का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक कमेटी को ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स के किरदार पर जामी ब्रीफिंग दी गई। तीनों मुसलह फौज के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी रोशनी डाली गयी। अमरीका का तालिबान रहनुमाओं से मुज़ाकरात पर बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस कहते हैं कि अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात इंतहाई मुस्बत रहे। तालिबान से इंसानी बुनियादों पर इमदाद से मुतल्लिक बातचीत हुई। सिक्योरिटी दहशतगर्दी खदशात और अफगानिस्तान से अमरीकी शहरियों के इनखलाफ पर भी बात की गयी। तहम तालिबान पर वाज़ेह कर दिया कि इनके बयान से नहीं बल्कि अमल से परखा जाएगा।